नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनमोड़ ते यही अपने कंप्यूटर इंपोर्टेंट एमसीक्यू दी फोर्थ क्लास है। जे इस तो पहला वाली क्लास तुसी नहीं देखी तां वीडियो दे एंड विच तुहानूं उन्हां वीडियोज़ दे लिंक मिल जाणगे, उत्थे जाके एक बार चैक जरूर कर लियो। एंड जो भी क्वेश्चन मैं तुहानूं वीडियो थ्रू प्रोवाइड करवाउंना, ये सारे प्रीवियस एग्जाम विच आए हुए क्वेश्चन मैं इन्हां वीडियोज़ विच इनकलूड किए गए ने, तां करके यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 की गल करिए, इंटरनेट एक्सपलोरर डैश है तो यह वैब ब्राउजर हों, जो इंटरनेट एक्सपलोरर हों, इस ही आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की गल करिए दोस्तों, उद्देश जवाब सीट में चैक करने लिए डैश वरता जाता है। तुम OMR एग्जाम का नाम सुना होगा, जो नहीं सुना तो प्राइवेट अंदर एक वीडियो शो करिए, यही वीडियो देखने तो बाद चैक कर लियो। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर जो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 की गल करिए दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस विच मेन फोल्डर नूं की कहिंदे ने? दोस्तों रूट डायरेक्टरी इसनों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 की गल करिए दोस्तों, सो व्यापारक उद्देश्य लई वरतों करन वाला पहला कंप्यूटर किहड़ा सी? तां यूनीवैक व्यापारक उद्देश्य लई जो यूज़ किया जाता सी, उह पहला कंप्यूटर सी। तो क्वेश्चन नंबर 124 की गल करिए दोस्तों, MS वर्ड विच टेबल बनाने वाले माउस का पॉइंटर डैश वर्गा दिखाई देता है? तो दोस्तों देखा होगा सीधी लाइन है, तुम ये लाइन देख सकते हो, जो कर्जर अपना इस टाइम है तो इस तरह का ही दिखाई देता, सीधी लाइन मतलब बड़ी आई होंगी जिम्मे उस वर्ग दिखाई देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 की गल करिए दोस्तों, प्रोग्राम कंपाइलिंग तो डैश बनता है तो चलन योग प्रोग्राम जिन्होंने आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कह दें? ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 की गल करिए, गैर प्रभावी यानी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की उदाहरण तो लेजर प्रिंटर होंगे ने, जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होंगे ने। तो क्वेश्चन नंबर 127 की गल कर लिए दोस्तों, एक कंप्यूटर का सब तो बुनियादी प्रोग्राम किहड़ा होंदा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जिहड़ा बुनियादी प्रोग्राम कंप्यूटर का मनिया जाता है। दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा, जे तुसीं भी पोलिटी साइंस एंड कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में परचेज करना चाहते हो, जिस विच मैं सारे इंपोर्टेंट MCQ इंक्लूड किए हुए हैं, जे तुसीं वो PDF फाइल में परचेज करना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम इस PDF फाइल में खरीद सकते हो, तो अपनी एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बना सकते हो। एंड इस PDF फाइल का जो प्राइस है सिर्फ 44 रुपीज़ यानी 44 रुपये पर PDF फाइल तुम्हें प्रोवाइड हो जाएगी। ओके दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, 128 नंबर क्वेश्चन, किसी टैक्सट की स्ट्राइक ट्रुथ का अर्थ की होंगे? तो टैक्सट के विचकार लाइन आ जाती है, जो स्ट्राइक ट्रुथ शो करता है तो टैक्सट के लाइन आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 129 की गल करिए दोस्तों, एक वह प्रोग्राम है जो उच्च पद्धरी भाषा में मशीनी भाषा में बदल देता है, कंपाइलर की मदद न उच्च पद्धरी भाषा में मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 की गल करिए, क्वैटी की वरतों कितने की जाती है? तो कीबोर्ड में होंगी है, जो बटनस होंगे ने अपने कीबोर्ड के, वह क्वैटी कीपैड स्टाइल से होंगे ने, करके आप इसका यूज़ कीबोर्ड में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 की गल करिए, GUI का पूरा नाम क्यों होंगे? तो दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूरा नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 132 की गल करिए दोस्तों, Windows 7 की है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में मैंने एक कमेंट करके दसो, जो भी तुम्हें वीडियो थ्रू मैं प्रोवाइड करवाना कि वह बेनीफिट है, मतलब तुम्हें समझ आ जाती है या नहीं। आई नो काफ़ी बच्चे इस तरह के होंगे जिन्होंने बुक्स विचों पढ़ना पसंद है, तो काफ़ी बच्चे इस तरह के होंगे ने जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेना पसंद करते हैं, बट अज के टाइम एग्जाम को क्वालीफाई करने क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज प्लस बुक्स दोवें ही जरूरी ने, तो करके मैं तुम्हें रैकमेंड कराँगा कि ऑनलाइन क्लासेज के नाल नाल तुसी बुक विचों भी तैयारी करना स्टार्ट करो। एंड कंप्यूटर को चंगी तरह कवर करने लिए आप कि बुक खरीदनी दोस्तों, सब तो पहला ये गल ध्यान च रखियो कि जो भी आप बुक खरीद रहे हो लेटेस्ट एडिशन की बुक होनी चाहिए है, क्योंकि मैं खुद जी बुक रीड करता हूँ लेटेस्ट एडिशन है, तो उन्होंने ही MCQ फाइंड करता हूँ और फिर तुम्हें वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दिना। जो तुम भी कंप्यूटर वास्ते उ बुक यूज़ करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता, उससे क्लिक करके Amazon पर जाओ तो ऑनलाइन लेटेस्ट एडिशन इस बुक में ऑर्डर कर लो, जो परफेक्ट तैयारी करनी है तो। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133 की गल कर लिए दोस्तों, Ctrl+P डैश लिए वरता जाता है, तो सबनों पता है प्रिंटर लिए यानी प्रिंट करने लिए कोई भी, जिमें यह मैं वर्क तुम्हें समझा रहा है, मैं जो प्रिंट करना चाहता तो Ctrl+P नपेड़ तो सारी आप प्रिंटर अपने कमांड दे दें कि इसमें प्रिंट कर दो। 134 की गल करिए, असैम्बली भाषा किस पद्धर की भाषा है? तो लोअर लेवल प्रोग्रामिंग भाषा असैम्बली भाषा को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 135 की गल करिए दोस्तों, एक समय विच एक कथन नूं बदलदा है अते लागू कौन करदा है, इंटरप्रेटर इस विच हैल्प करदा है। ते क्वेश्चन नंबर 136 की गल करिए दोस्तों, कौन कंप्यूटर दे यूएसबी पोर्ट नाल जुड़िया नहीं जा सकता, तां पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, प्रिंटर अते माउस। दोस्तों इस सवाल थोड़े लिए है, इन्हां विचों तुसीं चारों विचों दसना है कि कीड़ा जो आपां यूएसबी पोर्ट नाल अटैच नहीं कर सकते। उम्मीद है तुहानू इह सवाल आउंदा होवेगा, तां वीडियो विच कमेंट करके मैनू भी दस दिओ ताकि मेरी भी एग्जाम लई तैयारी हो जाए। ओके दोस्तों, जे नहीं पता तां भी वीडियो विच कमेंट कर दिओ, तां मैं तुहानू कमेंट विच इसदा सही आंसर फाइंड करके दे देवां। तां क्वेश्चन नंबर 137 दी गल करिए, 1000 बाइट्स एक डैश दे बराबर है, तां 1 किलोबाइट यानी 1 केवी दे बराबर हुंदी है जो 1000 बाइट्स हुंदी ने। नंबर 138 दी गल करिए दोस्तों, बेंचमार्क दा अर्थ की है, तां निर्धारित मियार बेंचमार्क नूं कहा जांदा है। ते क्वेश्चन नंबर 139 की गल करिए दोस्तों, टी एफ टी का पूरा नाम क्या होंगे, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टी एफ टी का पूरा नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 140 की गल करिए, भारत की सब तो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है। दोस्तों 2020-21 की गल करिए, टी सी एस यानी टाटा कंसल्टी सर्विस सब तो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 की गल करिए, मिनटर गुण की पछाण किवें की जाती है, तो डॉट पिच, रिफ्रैश रेट, तो रेजोल्यूशन, यह तिने तरीके जी मोनीटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो इसका सही आंसर जोड़ा रहेगा ऑल ऑफ दीज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 की गल कर लिए, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड की होंगे, तो उसमें आप मदर बोर्ड कहने, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 143 की गल करिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस एक डैश है, तो आर डी बी एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म तुम गूगल से सर्च करो, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसैस आर डी बी एम एस का फुल नेम लिख के सर्च करो, तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर करना कि उतो तुम्हें पढ़ना है, तो वीडियो में कमेंट करना ताकि मैं भी इसका फुल फॉर्म बारे पता लग जाए। ओके दोस्तों, कमेंट जरूर करो। तो क्वेश्चन नंबर 144 की गल करिए, ईमेल खात्या विच एक स्टोरेज खेत्र होंगे जिसनों आप डैश कहने, मेल बॉक्स होंगे दोस्तों, इसमें आप स्टोरेज के तौर पर यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 की गल करिए, किहड़ी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो पर्ल भी, तो फोक्स प्रो भी, बट ओरेकल जो है यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 146 की गल करिए, साइकिल विन, सॉरी दोस्तों, तो रीसाइकिल विन, स्पैलिंग मिस्टेक होगी, रीसाइकिल विन ऑप्शन कितने मिलता है, तो नॉर्मल जी गल है डैस्कटॉप से ही आपको रीसाइकिल विन का ऑप्शन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 की गल करिए दोस्तों, किराए की है, तो यह सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, वाशिंगटन का जो सुपर कंप्यूटर है उसमें CRAY कहा जाता है। एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई गई फाइल में असं किस नाम जानते हैं, तो डाकूमेंट के नाम ऑटोमैटिक वह सेव होंगी है। जे चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट जे आप चेंज नाम ना रखिए किसी भी फाइल का, तो डाकूमेंट लिख के उत्ते फोल्डर में शो करेगी। क्वेश्चन नंबर 149 की गल करिए, 149 की गल करिए, कंप्यूटर विच जानकारी दा राजपात किसनों कहा जाता है, तो इंटरनेट द्वारा ही आप कंप्यूटर विच किसी भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, आई थिंक यह रिपीट होगा क्योंकि मैं पहला क्लासेस विच भी यही क्वेश्चन शायद मैं करा चुका, तो मोडम का पूरा नाम मोडुलेटर डी मोडुलेटर होंगे। ओके दोस्तों, यह कंप्यूटर अवेयरनैस के कुछ इंपोर्टेंट MCQ जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए थे। एंड जे तुसी डेली इस तरह की इनफॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हो, तो साडे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को लाइक करो, तो एक प्यारा जिहा कमेंट भी जरूर करके जाओ।